मदीना जाने का कोई रास्ता निकाल दे, मदीना जाने का कोई रास्ता निकाल दे। हजरत यकीनन हम कादरी हैं, और याद रखो कादरी कादरी वो है कि कभी दबता नहीं है किसी के दबाने से, बल्कि गौसे आजम के करम से बढ़ता रहता है। कह दो सुभान अल्लाह, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। और याद रखो हम वो कादरी हैं, हम वो कादरी हैं कि आज जो हम कादरी बने हैं ये मुजाहिदे मिल्लत और सरकारे मिल्लत का सदका है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और नेमती का जुमला नोट करो, अगर आप सबसे नसीबी हो तो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी गुलाम की गुलामी नहीं करते। तैयार रहिएगा, हम किसी गुलाम की गुलामी नहीं करते हैं, अमा हम तो उस नसीम सरकार के गुलाम हैं, हम तो उस नसीम सरकार की गुलामी करते हैं जिनके बाबा तमाम नबियों के सरदार। यार जरा बोलिए, जिनके बाबा तमाम नबियों के सरदार और जिनकी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार और जिनके बाबा जन्नती नौजवानों के सरदार। अब हम उस सरकार मिल्लत की गुलामी करते हैं जिनके बाबा गौसे आजम तमाम औलिया के सरदार। हम सरदार के बच्चों की, सरदार के बच्चों की गुलामी करते हैं, किसी गुलाम की गुलामी नहीं और कभी नहीं करेंगे। ये हमारी किस्मत है कि हम नबी के घर वालों की गुलामी करते हैं। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कब बोलिएगा, बोल बाल के सुनिए। और आज बहुत सुनाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको, जिगर पैदा कीजिए, जिगर सुनने के लिए जिगर पैदा कीजिए, बहुत सुनाऊंगा इंशाल्लाह। एक मर्तबा एडवांस के तौर पे दोनों हाथों को उठा दे, ऐसा लगे ये जलसा यहाँ नहीं खानकाह शरीफ में हो रहा है। सारे लोग हाथों को उठा दे, मोहब्बत से कह दें या हुसैन सुभान अल्लाह, और आवाज से कहें ना या हुसैन, और आवाज से या हुसैन। एक शेर पढ़ता हूँ के अली का लाल लाल तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला अमा अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, और सरे हुसैन ने नेजे से कर दिया ऐलान, अमा जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। तुम्हारी तरह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग सारे एक एक ट्रक में भर करके सारे लोग सरकारे मिल्लत को ओडिशा से भगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरा नसीब सरकार कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा। अरे भगाने भगाने वालों, तुम भगाने की कोशिश कर रहे थे 15 दिन ही सही, तुमने ओडिशा छोड़ दिया, फरार तुम ओडिशा से। जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दो सुभान अल्लाह। हजरात बहुत सुनिएगा आप इंशाल्लाह, इत्मीनान रखें। मैं चाहता हूँ बाहर से आने वाला वो मेहमान आशिक अहमद रजा खान, शायर अहले सुन्नत जनाबे सद्दाम हुसैन वहीदी, जो मेंबर पाक पे हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सारे लोग अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर।
और आहिस्ता जवाब दे भाई, और आहिस्ता ना रही तक भी भाई, और आहिस्ता जवाब दे चूंकि नसीमी वर्ल्ड आपको कैच कर रहा है, और आहिस्ता जवाब दे ना रही तकबीर। हाय हाय, जब आपके आहिस्ते का ये आलम है आवाज भी बुलंद हो जाए, ना रही तकबीर, ना रही रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मिल्लत, इज्जते रसूल कॉन्फ्रेंस। जब चाहा चांद से खेला, जब चाहा तोड़ 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 तोड़, जब चाहा चांद से खेला, जब चाहा तोड़ दिया, और जब चाहा तोड़ के जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। जब चाहा तोड़ के जोड़ा, बहुत अच्छा शेर मैंने पढ़ा, लेकिन तेवर में नहीं पढ़ा, इसलिए आपने चुपचाप से सुनने की कोशिश की। अगर तेवर में पढ़ता तो आप भी तेवर दिखाते, जरा दोनों हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। देखिए जो लोग पीछे खड़े हैं, कमेटी वाले बार बार कह रहे हैं कि उनको आगे बुला लीजिए, जबकि आप देख रहे हैं सामने जगह खाली है, और आप ये देखते हुए भी अगर सामने नहीं आए, आपके पीछे लोग खड़े हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप जगह नहीं दे रहे, बताइए आप दिल में हाथ रखें कि क्या ये इंसाफ सही है। हरगिज हरगिज, आप भी कहोगे हरगिज हरगिज, इसलिए जो सामने जगह खाली है उसको पूर कर ले, ताकि जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको बैठने के लिए कोई दिक्कत ना हो। भाई देखिए आपसे कह रहा हूँ मैं, जरा करीब आ जाए, सामने आ जाए, ताकि जो लोग खड़े उनको बैठने का मौका मिल जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग जाके सेटिंग कर दें, जब मेरी आपकी बात नहीं मान रहे तो ये कौम ही तो ऐसी है भाई, ये लोग अपने इमाम की बात कभी मानेंगे नहीं, है कि नहीं? पीर साहब की बात मान लेंगे, साफ सुथरी बात, लेकिन उलमा की बात नहीं मानेंगे, है ना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सामने आ जाए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, सारे लोग एक माहौल बना लें मोहब्बत से, या हुसैन नहीं लगे लगे कि आप कादरी मंदिर में बैठे हो, मोहब्बत से या हुसैन, और आवाज से या हुसैन, या हुसैन। एक शेर 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 भाई अहले इस्तेज की दुआएं, मुअज्जमुद्दीन साहब, हाफिज सज्जाद साहब और गुलाम हबीब भाई, शेर देखिएगा, अगर दिल कहे तो हमारी पुश्तपनाही कर दीजिएगा, जरा मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, और आवाज से कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से, मोहब्बत से हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह, और आवाज से कहे सुभान अल्लाह। चक्कर चक्कर हज कमेटी न काटे हम कोट के, चक्कर हज कमेटी न काटे कोट के, अरे एहसान क्यों उठाओ किसी के सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म में बस्तों पर लगा दे, हर रोज मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के, हर रोज मदीना जाऊं, हर रोज मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। हजरत इस वक्त मैं उनको आवाज दे रहा हूं, अभी नहीं बाद में, इतनी जल्दी क्या है भाई, वो सब मैं कहूंगा इंशाल्लाह, उससे और ज्यादा भी डेंजर होने वाला हूँ, मैं घबराइए मत, जरा पेश की कह दे सुभान अल्लाह। मैं उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ जिनकी धड़कन मदीना शरीफ है, जिनकी धड़कन मदीना शरीफ है, जिनकी आरजू बगदाद शरीफ है, और जिनकी पहचान बरेली शरीफ है, जिनकी पहचान बरेली शरीफ है, और ये ऐसा खतीब है, ऐसा मुनाजिर है, जब ये मसलक के आला हजरत की जहाज से उड़ान करता है, उस वक्त तक किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता जब तक के मुखालिफों ने मसलक के आला हजरत और अहले बैत के दुश्मनों की छुट्टी न करा दे। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुहद्दिसे बालासर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब अल्लाह की जात से है, वो मेंबरे पाक पे कुर्सीए खिताबाना लिबास जबसन फरमाकर कुर्सीए खिताबत पे विराजमान है, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, सारे लोग हजरत का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। पीछे वाले जरा आप भी आवाज बुलंद कर दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सैयदुल हिंद, फैजाने सरकारे मिल्लत, इज्जते रसूल कॉन्फ्रेंस।
जामियतु सिद्दीक, जामियतु सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफर जो नहीं करते, सफर जो नहीं करते, अली के ट्रेन से अमा भूसा भरा है। जरा बोलिए ना, जरा बोलिए ना। सफर जो नहीं करते, अमा सफर जो नहीं करते, अली के ट्रेन में भूसा भरा है उसके ब्रेन।